हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट स्पॉट काउंसलिंग, स्पॉट राउंड जो GGS IPO यूनिवर्सिटी में होता है। सो मेनी ऑफ यू आर फेसिंग ट्रबल इन दिस राउंड विच आर गोइंग नाउ। कई लोग आप में से फ़ी पे नहीं कर पाए 40,000 रुपीज़, कुछ लोग काउंसलिंग की भी फ़ी पे नहीं कर पाए थे, एंड कुछ लोगों को कॉलेजेस अलाउड नहीं हुए हैं, या जो हुए हैं दैट आर नॉट देयर डिजायर्ड कॉलेजेस। सो फॉर ऑल दोज पीपल this round is made for them, okay? So many of you are asking to clarify the spot round, और main बात that I'm clarifying now, कि जो मैं notice में read करने वाली हूँ to explain what is spot round to you all, ये latest notice नहीं है, ये latest notice ये इस साल का नहीं है। spot round तब आता है जब आपके ऑल द 3 rounds सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अभी आपका कुछ कोर्सेज का सिर्फ round 1 चल रहा है, कुछ का वो भी नहीं स्टार्ट हुआ, कुछ का round 2 चल रहा है। तो अभी round 3 सब कोर्सेज के जब कंप्लीट हो जाएंगे तब ये राउंड निकाला जाता है। तो ये नोटिस लास्ट ईयर का है। आई एम जस्ट रेफरिंग टू दिस नोटिस टू एक्सप्लेन व्हाट इज स्पॉट राउंड टू यू ऑल, सो डैट यू गाइज गेट रिलीव्ड कि आपके पास क्या ऑप्शन अभी बचा है, ओके? मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पर जो 40,000 रुपीज़ पे नहीं कर पाए हैं उसके लिए, बट आई हैव डिलीटेड दैट वन बिकॉज आई मिस टू मेंशन द स्पॉट वाला राउंड इन दैट। तो इस वीडियो में आई विल आल्सो कवर उन लोगों का केस जिनकी हो सकता है फ़ी ट्रांजैक्शन फेल हो गई हो, या किसी रीज़न के वजह से कॉलेज अलॉट होने के बाद भी 40,000 पे नहीं कर पाए, या भूल गए, या मिस हो गया, जो भी है, तो वो सारे लोग इसमें कवर हो जाएंगे, ओके? सो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। स्पॉट राउंड क्या होता है मैं अभी से इसीलिए बता रही हूँ सो दैट यू गाइज गेट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। आपको क्या लेना है, आपका माइंड सेट हो जाए, आपका प्लान हो जाए पूरा, आपको पता चल जाए कि आगे आपके लिए क्या होप लेफ्ट है, क्या स्कोप लेफ्ट है। तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो, सो डू वॉच इट टिल एंड, ओके? तो ये लास्ट ईयर का है तो इसीलिए ये कोर्सेज तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि इस राउंड में होता क्या है, ओके? तो स्पॉट राउंड का प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड विल बी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रजिस्ट्रेशन अर्लियर। पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन करी थी वो नहीं मानी जाएगी, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी होती है। द स्पॉट काउंसलिंग शैड बी डन फॉर वैकेंसीज रिमेनिंग फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एलोकेटेड कैंडिडेट्स टू स्कूल ऑफ स्टडीज कॉलेज इंस्टीट्यूशन अलॉटेड एंड अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पॉट काउंसलिंग। जितने भी कॉलेजेस में सीट वेकेंट है सिर्फ वही कॉलेजेस यहाँ पे कवर्ड होंगे। Since all conversion of category region by division are completed in the last round of college, the spot can be stand unreserved. तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कोई भी कैटेगरी हो, आप सारे लोग जनरल कैटेगरी की नज़र से देखे जाएंगे सिर्फ इस राउंड के लिए। तो पहले जो आपको कॉलेज मिला था वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिला होगा, आप SC, ST, OBC, UWS जो भी आपकी कैटेगरी है, बट इस राउंड में आप सब लोग ही जनरल की तरह अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ओके? सो ऑल प्रीवियस choices शैल बी ट्रीटेड एज नल। पहले की जो आपने choices करी थी आपको वो भूल के अपने दोबारा से choices फिल करनी होंगी। ऑल द ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग अफ्रेश विल बी अलाउड टू लॉग इन आफ्टर एक्सेप्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड की काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, अगर आप दोबारा से रजिस्टर कर रहे हैं तब आपको एक्सेप्ट करनी होंगी वो, और इसमें रिफंड का नहीं होता है पॉसिबल। तो कैंडिडेट्स हू हैव रिपोर्टेड, अगर आपने अपने कॉलेजेस में रिपोर्ट कर दिया था अपना पूरा स्लाइडिंग राउंड तक, और आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो देयर एग्जिस्टिंग एलोकेशन ऑफ सीट शैल बी रिटेन्ड एंड शैल नॉट चेंज। न्यू इफ़ पार्टिसिपेटिंग इन द स्पॉट राउंड आर अश्योर्ड दैट एनी ऑफ द न्यू प्रेफरेंसेज फिल्ड इन द स्पॉट राउंड इज नॉट एलोकेटेड टू देम देयर। अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई कॉलेज नहीं होता है अलॉट, अगर आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करते हैं और आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो जो आपका पहले वाला कॉलेज है वो आपसे नहीं छीना जाएगा, वो तो आपके पास रहेगा ही। बट अगर कोई कॉलेज हो जाता है अलॉट, तो आपको जो कॉलेज में आप जाके रिपोर्ट भी कर चुके हैं वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के इस राउंड के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसमें होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आपको एक कॉलेज मिला है ए, ओके? तो आपने ए को मना किया और आपको कॉलेज चाहिए बी। तो अब आपने चॉइसेस जो अपनी भरी वो आपने भर दी सारी, BCDEFG सब भर दिया उस चॉइसेस में, और अब आपको कॉलेज अलॉट हो गया डी, बट आपको तो डी नहीं चाहिए था और अब आपको डी में ही लेना पड़ेगा, आपका ए भी चला जाएगा और इसके बाद आपको कोई राउंड दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस समझदारी यही कहती है कि सपोज़ जो आपको कॉलेज चाहिए, जो आपको अभी कॉलेज मिला है, आपको ए मिला है, तो अपने जो चॉइस फिलिंग में है वो सिर्फ बी और बी ही भरिए अगर आपको सिर्फ बी चाहिए तो, और सी ही भरिए अगर आपको सिर्फ सी चाहिए तो, मतलब या जो भी कॉलेजेस आपको उसके अलावा चाहिए जो अभी आपको मिला है वो ही भरिएगा, लेस प्रेफर्ड चॉइसेस नहीं भरिएगा।
ओके सपोज आपको ए कॉलेज मिला है और आपको बी या सी चाहिए, तो बी और सी ही भरिएगा। इसमें मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप सारे कॉलेजेस भरिए अगर आपको ऑलरेडी कोई कॉलेज मिला हुआ है। तो नहीं मिला हुआ है तो आप सारे भरिए, क्योंकि आपको चांसेस हो जाते हैं कि आपको कोई ना कोई कॉलेज तो अलॉट हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मिला हुआ कॉलेज है वो भी छिन जाएगा, चाहे आपको दूसरा जो आपको नया कॉलेज मिले वो पसंद आए या ना आए। तो चॉइसेस में सिर्फ उतना ही भरिएगा जितना आपको लेना है कॉलेज। ऐसे कॉलेज मत फिल कीजिएगा जो आपको डाउटफुल है कि नहीं, जो मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ है वो इस कॉलेज से बेटर है जो मैं चॉइस में भर रहा हूँ, तो उसको भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये मेनली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक 1000 rupees पे नहीं किए थे काउंसलिंग के, या अगर वो कर दिए थे और 40,000 rupees पे करना रह गया था आपका, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करनी पड़ेगी, 500 rupees आपको देने पड़ेंगे। ये 500 तब का था, हो सकता है अब इस बार यूनिवर्सिटी चेंज कर दे, लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन है। तो आपको 1000 rupees काउंसलिंग के दोबारा देने पड़ेंगे अगर आप 1000 rupees आपको तब देने पड़ेंगे जो लोगों का CET में रैंक आया था बट 1000 rupees पे नहीं करे थे, तो उनको 1000 भी देने पड़ेंगे और 500 भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके लिए 500 एक्स्ट्रा है अगर आपने 1000 पहले पे नहीं करे थे। तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग की डेट्स बताई जाएंगी और रिजल्ट की डेट बताई जाएंगी, और आपको विलिंगनेस सबमिट करनी होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको रिपोर्टिंग इस डेट को करनी होगी, वो आपको बता दी जाएगी। जिनका नाम CET पे आया था और सीट अलॉट हुई थी, 40,000 rupees पे कर दिए थे और वो भी स्पॉट में पार्ट लेना चाहते हैं, तो आपके जो 40,000 थे पहले के वो आपको दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो आपका चेंज नहीं होगा, तो बस वही कॉलेज भरना जो आपको चाहिए, ठीक है, और वही कॉलेज वो आपको दे सकेंगे। अगर आपने चॉइस फिलिंग में कोई ऐसा कॉलेज भरा ही नहीं है जो आपको अब नहीं चाहिए, तो वो आपको कॉलेज अलॉट होगा ही नहीं, तो इसमें ऐसा कोई रिस्क वाली बात नहीं है। कई लोग कहते हैं स्पॉट राउंड बहुत ज़्यादा रिस्की है, ऐसा नहीं है। अगर आप समझदारी से भरे तो कुछ रिस्की नहीं है। जो आपको कॉलेज चाहिए जो आपको अलॉट हुआ है उसके अलावा सिर्फ वही भरिएगा, डोंट फिल ऑल द कॉलेजेस जो आपको नहीं चाहिए। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई नहीं और आप कह रहे हो कोई भी कॉलेज चलेगा, तभी आप सारे भरिएगा, ओके। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स नीड टू पे अगेन द पार्ट अकेडमिक फी ऑफ 40,000। अगर आपको पहले कोई कॉलेज अलॉट हुआ था एंड पेड द अकेडमिक फ़ी एंड रिपोर्टेड, ये आपको कॉलेज आपको 40,000 दोबारा नहीं पे करने हैं। फिर अ कैंडिडेट हु हैज़ अलॉटेड सीट इन ऑनलाइन राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग पेड द अकेडमिक फ़ी बट नॉट, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया था तब भी आपको नहीं पे करने हैं दोबारा, अगर आप पहले पे कर चुके हैं तो। आपको अगर आपने एनी कैंडिडेट हु हैज़ एडमिटेड इन एनी राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड पेड द अकेडमिक फी एंड सब्सिक्वेंटली विदड्रॉ एज पर प्रोसीजर, ओके। तो रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉट राउंड रिजल्ट, आपको रिपोर्टिंग करनी होगी वहाँ पर जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट ऑफ बैलेंस पार्ट अकेडमिक फ़ी, जो कि आपको ऑफर लेटर मिलेगा उस कॉलेज से, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी फ़ी आपको बता दी जाएगी। अलॉटमेंट ऑफ सीट के बाद अगर आपकी सीट रिटेन द सीट फ्रॉम अर्लियर, she has made the payment of 40,000 can generate provisional. If allotment of seat in the spot round of cancelling the counselling, the candidate if allotted a seat retained the seat from the earlier allotment upgraded to higher choices your preference, and if she has made the payment of part academic fee 40,000 if not pay earlier, so can generate provisional admission fee. जो कि मैं आपको फ़ी का कैसे प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करना है आपको बता चुकी हूँ, तो आप वैसे अपना फ़ी का पेमेंट ज़रूर डाउनलोड करके रख लीजिए। ये लोग सभी कर लीजिए कि 40,000 फ़ी जो आपने पे करी है उसकी रिसीट कैसे डाउनलोड करते हैं, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, आई हैव एक्सप्लेन इन द वीडियो, तो आप वो जाके चेकआउट करिए। और सबने जिन्होंने भी पे कर दी है जिस भी राउंड में पे करी है वो ज़रूर डाउनलोड कर लें। प्रूफ ऑफ 40,000 rupees आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा, वो प्रिंट कैसे करना है आई हैव एक्सप्लेन इन दैट वीडियो। Candidates are required to report and join the respected college with the provisional allotment letter and the necessary record for verification of the document at the college and pay the balance academic fee as per schedule notified on the website. अगर आपने इस बार नहीं पे किया अपना बैलेंस जाके रिपोर्ट नहीं किया, तो इस बार आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। स्पॉट राउंड होता है, लास्ट राउंड चांस होता है आपके लिए, तो इसकी डेट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा जब ये राउंड आता है। सारा प्रोविजनल एडमिशन होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं वही, उसके बाद ही आपका एडमिशन फाइनल माना जाता है। अगर आप
admitted candidates who are allotted an upgraded seat in the spot round of counseling need to pay an additional amount of 5,000 at newly allotted यूनिवर्सिटी स्कूल और एफिलेटेड कॉलेज. अगर आपने आपको कॉलेज अपग्रेड होके मिलता है तो ये आपका 5,000 का आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप सारी फ़ी भी पे कर चुके हैं तो. सपोज़ आपको कॉलेज ए अलॉट हुआ था और आपको स्पॉट राउंड में कॉलेज बी अलॉट हुआ है तो बी में जाने के बाद आपको 5,000 रुपीज़ और देने पड़ेंगे. अपग्रेडेड कैंडिडेट्स हैव टू पे द बैलेंस एकेडमिक फ़ी. अगर कोई बैलेंस होता है सपोज़ बी की फ़ीस ए से इतनी ज़्यादा है वो तो पे करना ही है और साथ में 5,000 भी आपको पे करनी है. और अगर आपके पहले वाले कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा थी तो वो आपको वापस मिल जाएगी. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं, फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर द सबमिशन एट कंसर्न कंसर्न स्कूल, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको लेने जाने होंगे. जब आपका ये नोटिस आता है तो मैं बता दूंगी. इसमें मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि किन किन लोगों को होप है यहाँ पे एडमिशन मिलने का. कोई भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने फ्रीज़ किया है चाहे फ्लोट किया है, आपने चाहे रिपोर्ट भी कर दिया हो, तब भी आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. 40,000 पे करना भूल गए थे, 1,000 रुपीज़ काउंसलिंग की पे करना भूल गए थे, सब कुछ सब लोगों को, सभी लोगों को यहाँ पे चांस मिलेगा जिन्होंने भी CET दिया था. CET देना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ही, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया है तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं. बट ये होता है कि हाँ यहाँ पे आते आते सीट्स बहुत कम बचती हैं और जो मेनली जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनकी तो सीट भरी जाती हैं. जो कुछ कॉलेज बचते हैं उनमें आपको सीट मिलने के चांस होते हैं. ओके सो यही है आपका इस नोटिस में, आई एम कवरिंग एवरीथिंग. तो सारे लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन है. फर्स्ट इज़ जिन्होंने अपनी चॉइसेस अभी अलॉकेट हुई है सीट 40,000 पे नहीं करे थे उनको पे करने पड़ेंगे. एंड स्पॉट काउंसलिंग दोज हु आर इन ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम एंड हैव बीन अलोकेटेड अ सीट एंड हैव आल्सो रिपोर्टेड एज एडमिटेड, अपने रिपोर्ट कर दिया था तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे होंगे करने होंगे. और जो फ़ीस का है ज़्यादा है फ़ीस तो आपको ज़्यादा देनी होगी. उस आपकी न्यू कॉलेज की फ़ीस पहले वाले से कम है तो आपको वापस मिल जाएगी. अगर आप रजिस्टर कर दिया था और कोई सीट अलोकेट नहीं हुई थी या कोई आपने चॉइस फिलिंग करना अगर आप भूल गए थे तो भी आपको 40,000 पे करके अपना पूरा फ़ी पे करना होगा. जो अलोकेट हुए थे और 40,000 पे करना भूल गए थे किसी रीज़न से, मिस हो गया था, वो लोग भी अपनी चॉइसेस भर के यहाँ पे करेंगे. ऑलरेडी रजिस्टर जो लोग थे जिन्होंने सीट अलोकेट हुई थी, फ़ी कर ली थी पर आपने विड्रॉ कर ली थी फ़ी या कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं किया था, तो आपको क्या करना होगा? तो दैट इफ अ सीट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइसेस एंड प्रेफरेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी इज एलोकेटेड एंड देन दे हैव पेड 40,000 रुपीज़, तो आपको 40,000 रुपीज़ पे करने होंगे अगर आपको अपनी चॉइस की सीट अब मिल जाती है तो. ओके तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है. स्पॉट राउंड में जब एडमिशन आपका होता है उसके बाद आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है क्योंकि ये लास्ट राउंड होता है, इसके बाद आपको रिफ़ंड के चांसेस नहीं होते हैं. तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस एंड एवरीवन एंड एनीवन इज़ एलिजिबल फॉर दिस राउंड इफ़ दे हैव कम्प्लीटेड इफ़ दे हैव अटेम्प्टेड CET जो इनका एग्ज़ाम था, CET या फिर आपके कोर्स के हिसाब से जो भी आपका एग्ज़ाम होता है JEE के बेस पे है या जो भी है, वो सारे लोग सब लोग एलिजिबल हैं. चाहे आपने काउंसलिंग पे नहीं किए हो, चाहे आपने 40,000 पे ना किए हो, चाहे आपने पे करे हो कोई कॉलेज अलॉट हुआ हो और अब आप दोबारा ट्राई करना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई योर लक. बट ध्यान रखिएगा जो आपको कॉलेज चाहिए इस बार सिर्फ वही भरिएगा, सारे कॉलेजेस मत भरिएगा. ओके ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग की जब भी नोटिफिकेशन आएगी राउंड 3 के बाद ही आएगी, देन आई टेल यू ऑल. रिपोर्टिंग के बाद आता है राउंड, फाइनल राउंड होता है, इसके बाद कोई एडमिशन का चांस नहीं होता, इसके बाद कोई विड्रॉल का चांस नहीं होता. तो दिस इज़ द लास्ट होप फॉर ऑल दोज हु फॉरगॉट टू पे देयर फीस. ओके और एक मैनेजमेंट कोटा का भी ऑप्शन होता है जो कि मैं पहले की वीडियो में कवर कर चुकी हूँ. कुछ कॉलेजेस मैनेजमेंट कोटा के लिए एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, वहाँ पे जाके डायरेक्ट एडमिशन होता है, सारे कॉलेजेस में नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेनली नहीं होता है, प्राइवेट में होता है ये मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन. उसमें सब लोग एलिजिबल होते हैं बट कुछ फ़ीस कुछ कॉलेजेस की एक्स्ट्रा होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं और कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लेते हैं. तो आपको करना क्या है, अगर अभी आप 40,000 पे करना भूल गए हैं या कुछ भी रीज़न है आपको अपना पसंद का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो जो आपका पसंद का कॉलेज है अगर वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट में तो नहीं होता है मैनेजमेंट कोटा, अगर वो प्राइवेट है तो जस्ट विजिट दैट, या उनकी वेबसाइट पे चेक कीजिए या वहाँ पे जाके चेक कीजिए कि आपकी मैनेजमेंट कोटा की कितनी सीट्स हैं, कब आप एडमिशन ले रहे हैं और कितनी आपकी एक्स्ट्रा फीस है नॉर्मल फीस से. तो अगर आप वो सब टर्म्स एंड कंडीशन उनकी करने के लिए एग्री होते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर द डायरेक्ट एडमिशन और मैनेजमेंट कोटा ऑल्सो. मैनेजमेंट कोटा का भी ऑप्शन होता है
उसकी सीट्स हो सकता है तब तक फिल हो जाएं जब तक आपका स्पॉट आए, तो आप अभी भी वो जाके ट्राई कर सकते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन उनसे पूछ सकते हैं कॉलेज में विजिट करके या उनकी वेबसाइट पे देख के। वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू हैव टू विजिट द रिसेप्शन ओनली। और मेनली जो पॉपुलर कॉलेजेस होते हैं या जिनमें गवर्नमेंट एफिलेटेड होते हैं, वो लोग मैनेजमेंट कोटा नहीं रखते हैं क्योंकि उनकी सीट्स वैसे ही फिल हो जाती हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो एक ऑप्शन रखते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो मैनेजमेंट कोटा के लिए एक्स्ट्रा फी चार्ज नहीं करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं एंड गेट एडमिशन देयर। ठीक है, स्पॉट काउंसलिंग में आप सबके लिए होप है, बट सीट्स यहाँ पर कम बचती हैं, बची कुछ ही सीट्स ही मिल पाती हैं। लेकिन हो सकता है किसी टॉप कॉलेज से कोई बंदा विदड्रॉ करके किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाए और सीट आपके लिए बचे, तो आपको यहाँ सीट मिल सकती है, इसके चांस होता है। ओके, सो डू नॉट लूज होप, दिस राउंड इज ऑलवेज फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन। फॉर ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू GGSIP यूनिवर्सिटी, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद एनीवन एंड एवरीवन हु इज एस्पायरिंग टू टेक एडमिशन दिस ईयर इनटू दिस यूनिवर्सिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विश यू हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट एडमिशन।